क्यूपंती नदियों और बाढ़ के पानी से 5 लाख से ज्यादा लोगों के जीवन को बेहाल कर दिया है। इस बार राज्य के करीब 10 से ज्यादा जिलों में स्थिति नाजुक हो गई है। इस बीच बिहार के गोपालगंज में एक और पुल बह गया है। यहां सारण तटबंध टूट गया है और इससे नए इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गंडक नदी पर बना बांध गोपालगंज और चंपारण दोनों तरफ से टूट गया है। ये पुल गोपालगंज के बरौली प्रखंड और मांझा प्रखंड टूटा है, जबकि पूर्वी चंपारण साइड में संग्रामपुर में तटबंध टूट गया है। पुल के 3 जगहों पर टूटने से स्थिति भयावह हो गई है। दरअसल 21 जुलाई को गंडक बराज वाल्मीकि नगर बराज से 4,36,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। उसी पानी के दबाव में तटबंध ओवरफ्लो होकर टूट गया है। गंडक के दोनों किनारों पर हुई इस टूट से गोपालगंज, छपरा और पूर्वी चंपारण के कई गांव प्रभावित होने की आशंका है। वहीं ग्रामीणों ने बांध को बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पुल को बहने से रोक न सके। आपको बता दें कि पुल के टूटते ही लोग अपने मवेशियों को लेकर ऊंचे स्थानों पर जाने लगे हैं। ऊपर आसमान से लगातार बारिश हो रही है और नीचे पानी के बहाव की वजह से लोगों की मुश्किलें दोगुनी हो गई हैं। न्यूज़ डेस्क।